आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू डिजाइन। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा बच्चा कैप लगाया हुआ है उसमें हम डोरिया बनाएंगे इस तरीके से कैप को, यानी एकदम अच्छे से सेट करने के लिए, क्योंकि ये क्या करता था, इसमें ये वाली रस्सी नहीं थी तो ये निकाल के फेंक देते थे बच्चे, जो भी इसके खिलाता था वही उकास के यानी निकाल के फेंक देता था कैप को। तो इसमें मैंने ये डोरियाँ लगाई हैं, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, और ये भी बहुत शैतान है। तो अगर आपके पास ऐसे कैप हो उसमें डोरियाँ नहीं हो तो आप मेरी पूरी वीडियो देखें और चुटकियों में इस तरीके से डोरियाँ लगाना सीखें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती है कैप में डोरियाँ। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने एक जोड़ी कपड़े मंगाए थे गरम अपने बच्चे के लिए, तो उसके लिए साथ ये सॉक्स भी आए और ये कैप भी आया है और ये पजामी है और ये सूट है। तो ये सब तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम, ये वाले और सॉक्स भी सही हैं, मगर ये कैप मेरा बच्चा बहुत ही जल्दी आसानी से निकाल के फेंक देता है। तो क्या करेंगे इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक तनी मैंने इसमें लगा के रखी है, देखो ये वाली आपको दिख रही है ना, और एक तनी मैं आपको इसमें लगा कर दिखाऊंगी। यहाँ पे ये वाली तनी मैंने कैसे लगाई, क्योंकि कैप लगा दो और नीचे की तरफ नॉच लगा दो एक, तो बच्चा आसानी से नहीं निकाल पाएंगे इस कैप को। तो इसमें मैं तनी आपको लगाकर दिखा रही हूँ। उसके लिए हमें यहाँ से चार फंदे जैसे यहाँ से ऐसे उठाने पड़ेंगे, एक दो तीन और ये चार, मैंने इसमें सब चार फंदे बढ़ाए एकदम प्रॉपर है ना, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। यहाँ से इस सिलाई पे लेने चाहिए हमने, क्योंकि उल्टा हाथ पड़ रहा है ना, एक दो तीन और ये चार, बड़ी आसानी से ये फंदे निकल जाते हैं। तो इसमें हम सिलाई डालेंगे और जो भी आपके पास ऊन हो या मैचिंग की, या मेरे पास यानी ये एक फंदा हो गया, दो फंदे हो गए और ये तीन फंदे हो गए और ये चार फंदे हो गए। बहुत आसानी से ये देखो मैंने फंदे यहाँ से लगा लिए, कोई नॉट नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया। अब इन्हें हम ऐसे ही सादा सादा बनाते जाएंगे। मेरा बेबी बहुत क्यूट है, मैं आपको इसके लगाकर भी दिखाऊंगी, पहनाकर भी दिखाऊंगी उसके। तो इस तरीके से हम सादा बना लेते हैं, कोई फंदा घटाएंगे नहीं, कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं, एक तनी ऐसे लगा बना लेते हैं। थोड़ा सा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा और बनाएंगे, इसी तरीके से कोई फंदा नहीं बढ़ाए हैं अभी मैंने, ऐसे ही बनाते जाएंगे बस। तो ऐसे ही दो से चार लाइन और बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्त को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलना चाहिए आपको मेरी ये न्यू डिज़ाइन यानी कैफ में तनी लगाना कैसा लगा। डोरी लगाना बहुत आसानी से लग जाती हैं, तो एकदम देखिए ये मुझे लगता है बराबर सी हो गई हैं। ऐसे नाप करेंगे तो एकदम प्रॉपर हैं, देखो
तो अब क्या करेंगे हम, अब इसमें फंदे बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से धागे को ऊपर से निकालेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर इधर की साइड से धागे को ऐसे ही ऊपर से निकालेंगे, दूसरा फंदा बढ़ाएंगे, यानी दोनों तरफ से हमें चार चार फंदे बढ़ाने हैं बस इसी तरीके से। अब इधर की साइड में तो ऐसे ही हम फंदा बढ़ाते जाएंगे, दो दो बढ़ा लिए हैं मैंने इसमें फंदे, और दो दो और बढ़ाएंगे, दोनों तरफ से बढ़ाएंगे, एक तरफ से नहीं बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ। देखिए फिर फंदा इसी तरीके से बढ़ाए हैं मैंने, अब इसमें मैंने दो यानी फंदे कर लिए, इसमें मैंने 12 फंदे हो गए हैं, इसमें दोनों तरफ मैंने चार चार फंदे बढ़ाए हैं, चार फंदे मेरे पहले से ही थे इसमें। देखिए अब क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें फंदे गठाने शुरू करेंगे, जैसे बढ़ाए थे वैसे ही गठाएंगे, एक और दो दो फंदा लेंगे, साथ ही साथ बना देंगे इस तरीके से। एक फंदा कम हो गया, सारे फंदे वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते थे, बस एक एक करके गठाएंगे। देखिए अब की बार में इधर की साइड से एक और ये दो, दो फंदे लिए, फिर से एक कर दिया, तो दूसरा फंदा गट गया, एक एक दोनों तरफ से गट गए। तो ऐसे ही थोड़े से फंदे गठाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए डबल फंदा लेंगे और फिर से कम कर देंगे, फिर से डबल लेंगे और फिर से कम कर देंगे, फिर से डबल लेंगे और सभी फंदे हमारे बंद हो गए बहुत ही आसानी से। धागे को कट कर देती हूँ और इसमें नॉट लगा देती हूँ, ऐसे ऐसे इसे हम कट कर देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी ये कैप की तनी बनके तैयार हो गई है, देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, ये बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको कैप में कैसे लगाते हैं ये तनियाँ, देखो जो नॉट लगाने के लिए होती हैं इस तरीके से नॉट लग जाती है। मैं आपको अभी लगाकर बच्चे को पहनाकर दिखाऊंगी, तो ये कैप नहीं निकलती है आसानी से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो राधे कृष्णा। तो देखिए मैंने इसे सारे कपड़े पहना दिए हैं, अब मैं देखो आपको कैप लगाकर दिखा रही हूँ। पहले इस तरीके से ऐसे कैप को निकाल लेता था, ये देखिए अब इसमें हम इस तरीके से नॉट लगा देंगे। देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है ये मेरा बेबी। आ बाबू किसने मारा, किसने मारा मेरे बाबू को, गुन्नी गुन्नी बात कर रही है ना, गुन्नी गुन्नी बात कर रहे हो, देखना इसकी कैप बन गई है, ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर सर्दी नहीं लगेगी इसे एकदम, देखो तो इसलिए मैंने इसमें ये डोरिया बनाई है बांधने के लिए, बहुत आसानी से ये बन जाती हैं और काफ़ी सुंदर लग रही है ना। देखो अगर आपके पास ऐसा स्वेटर हो तो आप सर्दियों में इस तरीके से
अपने बच्चे के लिए कैप में डोरियां लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ये क्यूट सा। ये मेरी दबरानी का लड़का है और काफी शैतान है ये। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे 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 करो ना सबसे, राधे राधे।